हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूँ कृष्ण मोहन और वापस से आपको स्वागत करता हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ट्रैवलर KM में। दोस्तों, अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 में बैठा हूँ। आज का दिन है 29 अगस्त 2022 और आज से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, मैं जा रहा हूं दिल्ली से तिरुपति बालाजी के दर्शन करने मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी अड़चन यहां पे आ गई है। मेरा जो ट्रेन था केरला एक्सप्रेस, उसका शेड्यूल टाइम था रात के 8:10 पर जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो मुझे पता लगा कि ये जो ट्रेन है ये 3 या 3.5 घंटे लेट है। अब ये ट्रेन आने वाली है 11:30 बजे। बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ट्रेन 3.5 घंटे लेट है और ट्रेन अराइव होगी 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे। तो ये कुछ दिक्कतें आती हैं कई बार ट्रैवलिंग में, आज मेरे साथ आ गई है। केरला एक्सप्रेस इज़ लेट बाई मोर देन 3.5 आवर्स। कुछ नहीं कर सकते, अब मैं बैठा हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ। मौसम आज का बहुत ही खुशगवार है दिल्ली में। बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले और अब ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश की फुहार गिर रही है कभी कभी। तो ये जो पूरा प्रोग्राम था मेरा तिरुपति बालाजी का, काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करूं, लेकिन मौका नहीं हो पा रहा था। ये मौका मुझे बिल्कुल अचानक से मिला। तिरुपति बालाजी का दर्शन आप बिना टिकट के नहीं कर सकते दोस्तों, इतना मैं आपको बता दूं। वेबसाइट पे जाकर आपको पहले लॉगिन करके उस महीने का, उस डेट का पहले टिकट निकालना होता है और उस टिकट के साथ आपकी एंट्री होती है बालाजी के मंदिर में, तिरुमाला में। तो जब मैंने देखा कि मैं जब वेबसाइट पे विज़िट किया, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम वेबसाइट, TTD वेबसाइट है, उनके वेबसाइट में जब मैंने विज़िट किया टिकट लेने के लिए, तो टिकट वॉज फुल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और टिकट वॉज फुल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल्सो द टिकट वॉज फुल। नाउ आई वॉज वेरी मच वरीड, और नवंबर महीने का कब खुलेगा टिकट इसका कोई पता नहीं था। मैंने सोचा कि यार तो पता नहीं कब दर्शन होगा, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि दूसरा भी एक हैक है, उस तरीके से आप टिकट निकाल सकते हो बालाजी का। अगर आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं तो मोस्ट चांसेस होता है कि टिकट विद इन 15 मिनट्स उस महीने का फुल हो जाता है। और टिकट भी कितना देते हैं, वो पूरे महीने का 10 या 12 दिन का ही वो टिकट अवेलेबल होता है, बाकी का जो मंथ जो डेट्स होते हैं वो सारा वो फुल कर देते हैं, वो रिज़र्व में रखते हैं, उसको कोटा को रिलीज़ नहीं करते हैं। वो कोटा बाद में रिलीज़ होता है कभी, और वो भी होता है उनके ट्रस्टीज़ के लिए, उनके डोनर्स के लिए वो, या फिर किसी स्पेशल इवेंट होता है तो तब वो रिलीज़ करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए वो रिलीज़ ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि बड़ा मुश्किल है टिकट को प्राप्त करना, स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने ये कैसे किया, ये टिकट मैंने कैसे लिया और आप कैसे ले सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो 31 अगस्त का मेरा जो स्लॉट है वो मुझे मिला है दर्शन का। 31 अगस्त मुझे तिरुपति बालाजी स्टेशन में, तिरुपति स्टेशन में मुझे IRCTC के काउंटर से जो मेरे पास बुकिंग का जो स्लिप है वो स्लिप दिखा करके उनसे मुझे स्पेशल एंट्री दर्शन का टिकट प्राप्त करना होगा IRCTC काउंटर में। और फिर हमारा जो टीम है, कई लोगों का टीम होगा, वो उनको लेकर के वो जाएंगे फ्रॉम तिरुपति टू तिरुमाला। जो मंदिर है वो तिरुमाला में है और तिरुपति जो है वो नीचे है, वो सिटी है।
तो ये सारी कहानी है। आज मैं ट्रेन में बैठूंगा, आज है 29 अगस्त 2022, 11:30 बजे आज मैं बैठूंगा, रात के 11:30 बजे, और ये परसों पहुँचेगी 31 अगस्त 2022 को ये पहुँचेगी तिरुपति। तिरुपति मैं आपको बता दूँ चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश के, और वहीं पे तिरुमाला में बालाजी का मंदिर है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है तिरुमाला में। तो अब ये कैसे होगा, लेट तो मैं यहीं से हो गया, अब मुझे वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है 8:00 बजे का तिरुपति में टिकट प्राप्त करने का, तो अब कैसे होगा क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि बाहर बैठने से अच्छा है कि खाना पहले खा लिया जाए, तो इसके लिए मैंने चुना है AC वेटिंग रूम एक नंबर प्लेटफॉर्म में है, और पर आवर 10 रुपये का इसमें वेटिंग चार्जेस है। तो मैंने 2 घंटे का वेटिंग ले लिया है, इसके अंदर खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है, पेड है लेकिन बहुत साफ़ सुथरा खाना है। मैंने अपने लिए बिरयानी मंगवा लिया है, वेज बिरयानी, ये देखिए। अब ये बिरयानी मैं खा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये पूरा AC वेटिंग कोच है, ये देखिए कुछ इस तरह का है। तो अगर आपका भी ट्रेन कभी लेट हो रहा हो तो आप ज़रूर इस वेटिंग लाउंज का आप इस्तेमाल करें, सिर्फ 10 रुपये प्रति घंटे का है। तो मैंने 20 रुपये दे करके 2 घंटे का स्लॉट बुक कर लिया है। दोस्तों, अब घड़ी में बज रहे हैं 23:59, यानी कि रात 12 बज रहे हैं, ये देख रहे हो 12 बजे ट्रेन चली है, जस्ट अभी चली है ट्रेन। दोस्तों, मेरे साथ इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। भोपाल तक ये जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त बन गए हैं, और मेरे चैनल को भी इन्होंने सब्सक्राइब किया है। आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। सर, मैं विजय कुमार, जिला मीडिया प्रभारी BJP भोपाल, और मुझे बहुत खुशी साथ मिल के, और बहुत ही अपना अच्छा ट्रैवल रहा आगरा से भोपाल। BJP का मैं भी छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ नोएडा का, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। हम इसी तरह के कंटेंट बनाते हैं, कई जगह जाते हैं, वहाँ की जो हाईलाइट्स होती है जगह की वो हम दिखाते हैं। आपकी यात्रा शुभमय हो। चलिए, आपसे मिलके बड़ा अच्छा। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं बीना जंक्शन। सुबह 6 बजे आई थी झांसी, और अभी बज रहे हैं 8:15 सुबह के, और आज डेट है 30 अगस्त 2022। ट्रेन पहुंच चुकी है हमारी बीना जंक्शन। ये देखो, बीना जंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, सुबह 10 बजे, और ट्रेन अभी पहुंची है भोपाल जंक्शन, बहुत बड़ा स्टेशन मध्य प्रदेश का। फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है आपका मेरे इस ट्रैवल जर्नी में। अभी बज रहे हैं 5 शाम के 5, और मैंने आपको लास्ट स्टेशन दिखाया था भोपाल, उसके बाद इटारसी निकला, और अब थोड़ी देर पहले नागपुर भी निकल गया। अब हम जा रहे हैं सेवाग्राम की तरफ। तो भोपाल के बाद फिर मैं अपने काम करने लग गया, मैंने अपना लैपटॉप निकाल लिया था और अपना डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करने लग गया, क्योंकि आगे मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला कल। तो मैंने अभी से अपना जो डाटा वगैरह है वो सारा ट्रांसफ़र कर लिया है अपने लैपटॉप पे, और सब कुछ रेडी है बालाजी दर्शन के लिए। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको रिवील करूँ वो बात
जो मैंने आपको कल कही थी स्टेशन में कि आप स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका प्लान अचानक से बनता है या टीटीडी के साइट से अगर आपको स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट्स नहीं मिलते हैं तो उसका हैक क्या है, कैसे आप जल्दी से जल्दी टिकट ले सकते हैं। दोस्तों उसमें यह है कि पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाएंगे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या तरीका है। IRCTC वो ज़रिया है जिससे आप टिकट निकाल सकते हैं स्पेशल एंट्री दर्शन का किसी भी महीने का। तो आप IRCTC के वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आप वहाँ पे उनका पिलग्रिम्स करके एक सेक्शन है, एक पेज है पिलग्रिम्स, तो वहाँ से आप जैसी तरह तरह के पिलग्रिमेज टूरिज़म का उनका वेबसाइट पे ज़िक्र है, जैसे शिरडी है, माता वैष्णो देवी है, बद्रीनाथ है और तमाम है, केदारनाथ है, तमाम है, तो उसमें आपको तिरुपति में जाना होगा। तिरुपति के जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में। तो तिरुपति के लिंक में जब आप जाते हैं, पेज में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो 10 या 12 पैकेजेस मिल जाते हैं। तो आपने देखना है कि मैंने जो पैकेज लिया है, आपके ऊपर है आप कौन सा पैकेज लेते हैं। मैंने जो पैकेज लिया था उनसे वो है तिरुपति बालाजी डिवाइन दर्शन। तो बालाजी डिवाइन दर्शन वाले पैकेज को मैंने लिया था। वो उस पैकेज में क्या है कि आपको तिरुपति पहुंचना होगा अपने हिसाब से, आप बाई एयर जाए, बाई रेल जाए या बाई रोड जाए, आपको तिरुपति पहुंचना है। तिरुपति के रेलवे स्टेशन में आपको वो वेलकम करते हैं और वहाँ से फिर उनका जत्था जाता है तिरुमादा में, सबको लेके, जितने लोगों की भी उस दिन की बुकिंग है उन सबको लेके वो जाते हैं तिरुमादा में और दर्शन करवा के आपको वापस तिरुपति छोड़ देते हैं और एकाध मंदिर का भी दर्शन करवाते हैं, जैसे पद्मावती टेम्पल जो तिरुपति में है उसका भी दर्शन करवाते हैं। तो ये जो पैकेज है डिवाइन बालाजी दर्शन, ये फ्रेंड्स पड़ता है आपको 990 रुपये का। स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट अगर आप तिरुमाला की वेबसाइट से काटते हैं, TTD वेबसाइट से अगर आप लेते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो मात्र 300 रुपये है। लेकिन अगर आप IRCTC से ये वाला पैकेज लेते हैं डिवाइन बालाजी दर्शन का, तो उसका जो कॉस्ट है वो है 990 रुपीज़। तो ज़्यादा तो डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन ये है कि सुविधा है, आपको टिकट्स मिल जाती हैं। तो 31 का मुझे मिल गया, 31 अगस्त का, और उसमें शर्त यही है कि आपको तिरुपति आना होगा, तिरुपति से फिर वो आपको ले जाएंगे और आपका जो बुकिंग स्लिप है वो IRCTC के काउंटर में, तिरुपति रेलवे स्टेशन का जो IRCTC काउंटर है वहाँ पे जाके आपको वो बुकिंग स्लिप दिखानी होगी और वो स्लिप दिखा के और आपका जो आपके साथ, हाँ एक और दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो आपका जो ID है, जैसे आधार अगर आप देते हैं जैसे ID, तो वो आधार की हार्ड कॉपी आपको दिखानी होगी और कोविड वैक्सीनेशन फाइनल सर्टिफिकेट, दोनों डोज आपको लग चुके हैं वो वाला सर्टिफिकेट भी उनको हार्ड कॉपी में देना है और जो बुकिंग स्लिप है वो भी हार्ड कॉपी में देना है। तो तीन चीज़ें हो गई, ये तीन चीज़ें आप उनको देंगे, आपको वो स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, आप एक आदमी हैं, दो आदमी हैं, चार हैं, पाँच हैं, दस हैं, वो उस हिसाब से आपको स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट दे देंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 31 अगस्त 2022, टाइम हो रहा है 7:15 सुबह के, 7:15 बजे हम रेणीगुंटा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। रेणीगुंटा जस्ट तिरुपति रेलवे स्टेशन से पहला ही स्टेशन है, अब कोई हार्डली 15 मिनट हमें लगेंगे इसके बाद तिरुपति पहुँचने में। 2137 किलोमीटर की जर्नी मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और अब पहुँच चुका हूँ रेणीगुंटा। रेणीगुंटा से भी आप तिरुपति जा सकते हैं बाई बस, बाई रेल, बाई टैक्सी, कैब, कैसे भी जा सकते हैं, हार्डली 10 से 12 किलोमीटर है तिरुपति।
फ्रेंड्स फाइनली 2137 किलोमीटर की जर्नी करके इस ट्रेन से मैं पहुंच गया हूं केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस से आज मैं पहुंच गया हूं तिरुपति में। आज 31 अगस्त 2022 है, टाइम हो रहा है 7:45 का, 3.5 घंटे लेट इसको मेंटेन किया दिल्ली से, और इसका जो राइट टाइम था 4:40 का था, लेकिन अब ये पहुँची है 7:45 स्टेशन में तिरुपति। बहुत खुश हूँ मैं, इस पुण्य धरती को मैंने प्रणाम किया सबसे पहले उतर के, बालाजी का ये धरती है ये तिरुपति, और ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश के। तो आगे चलते हैं, अब मुझे जाना है IRCTC के काउंटर में और वहाँ से मुझे दर्शन टिकट्स प्राप्त करने हैं। फ्रेंड्स मेरे पीछे आप देख सकते हो IRCTC का वो काउंटर जहाँ से आपको अपना स्लिप बुकिंग स्लिप दिखा करके दर्शन एंट्री टिकट प्राप्त करना है। मैंने दिखा दिया है, मेरा ओके हो गया है और बस 5-7 मिनट 10 मिनट में हम लोग चलेंगे तिरुमाला के लिए। 10 बजे हमारा दर्शन का टाइम है। ये स्टेशन के बाहर का ये जस्ट रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल लॉजेस सारी चीज़ें अवेलेबल है। बहुत ही हैपनिंग सिटी है ये तिरुपति, लाखों लोग रोज़ यहाँ आते हैं तिरुपति में बालाजी के दर्शन करने। और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये जो रास्ता है ये है तिरुमलाई जाने का। फुट से अगर आप पैदल पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीधे सीधे जा सकते हैं, जब पैदल आप पहुँच जाएंगे तिरुमाला में। तिरुमाला फुटपाथ यहीं से ही है। फ्रेंड्स बस में मैं बैठ गया हूँ और ये बस मुझे लेके जा रही है तिरुमाला में। भाई आईसी ऑन कर दो, मैं तमिल। अब ये जो जर्नी है ये मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तिरुपति में पहुँच गया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तिरुमाला दर्शन, बालाजी के दर्शन हम देखेंगे। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद एंड जय बालाजी, जय बालाजी की जय। तिरुपति से तिरुमाला जा रहा हूँ इस बस में करके, ये IRCTC के द्वारा आयोजित बस है ये। टोल गेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं और टोल गेट से हमें 1/2 घंटे का समय लगेगा तिरुमाला पहुँचने में, और दर्शन टिकट इसमें इंक्लूडेड है। सुबह 10 बजे का हमारा स्लॉट है दर्शन का।